The Road Not Taken, which is written by Robert Frost, a well-known, beautiful and a keen observer of nature and a well-known poet of English literature. So, before we start to explain these stanzas, I just want to convey the message of the poem, or I just want to say something about the poem, that the poem is about the struggle of life, where you have to decide an only decision which makes your future bright or makes your life perfect. So here it is a dilemma for the poet to choose which one is right for him and which one is wrong. So here both are opposite, but what to choose and what to not, that is the dilemma. And this dilemma, I think it occurs in everyone's life when making decisions in our life. So the poem is about the dilemma and the struggle of life. So here we start the first stanza of the poem. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler long as I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the underwood. अब यहाँ पर जो जो poet है वो एक ऐसी जगह पर आके खड़े रह जाते हैं जो एक छोटा सा सपोज समझ लो कि एक जंगल है. वहां पर उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं. देयर इज अ येल्लो वुड, यहां पर लिखा गया है येल्लो वुड. सो दो रास्तों में से एक रास्ते को उसे चुनना. ही हैव टू चूज वन विच इज गुड फॉर हिम एंड मेक्स हिज फ्यूचर बेटर एंड अनदर वन वॉज मे बी वर्स्ट और मे बी मेक्स हिज लाइफ मोर. तो यहाँ पर एक जंगल में आने के बाद पोएट को जब दो रास्ते दिखते हैं, टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, दो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं जिसमें से एक जो है पोएट को अपने लिए चूज करना है, मे बी फॉर द फ्यूचर इन मे बी रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ. सो हियर जब पोएट जब ये दोनों रास्ते देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, हाउ ही फील, दैट इज द डायलेमा in his mind that which one is good for his life and which one is makes his life worst or bad. So the dilemma that comes in his mind for choosing the right path, see in the next stanza. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though, as for that, the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पर उसने दोनों रास्ते देखे जिसमें से जो एक रास्ता है वो बहुत ही ग्रेसी है, फुल ऑफ ग्रेस और एकदम खूबसूरत लग रहा है. वाई अनदर वन, जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा है, यानी कि उस पर इसका मतलब उस पर काफी सारे लोग पहले से चल चुके हैं. तो एक रास्ता ऐसा है जिसको सब लोगों ने चूज किया है, यानी कि सब लोग उस पर ऑलरेडी चल चुके हैं, और एक रास्ता ऐसा है जिस पे अभी तक कोई नहीं चला. इसका मतलब वो पूरा का पूरा ग्रासी है, यानी कि वो अच्छा दिख रहा है. बट इट मे बी हार्ड इन फ्यूचर, ऐसा हो सकता है कि जिसपे कोई नहीं चला है वो रास्ता शायद उसके लिए थोड़ा सा हार्ड या फिर टफ हो सकता है. इट मे बी टफ फॉर हिम व्हेन ही वॉक्ड ऑन इट. अगर वो उस रास्ते पे चले तो उसको बहुत सारी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है. तो ज्यादातर लोग ऐसे रास्ते पसंद करते हैं जहां पर सब लोग चल चुके हैं. इट मीन्स द पाथ इज वेरी इजी टू फॉलो एंड विच वन इट इज हार्ड, so nobody choose that one. Next stanza. And both that morning equally lay in leaves, no step
had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जब उसने सुबह सुबह इन दोनों सड़कों को देखा तो उसने नोटिस किया कि भाई एक रास्ता ऐसा है कि जिस पर बहुत सारे कदम चल चुके हैं, इट मीन्स वहां पर किसी के फुटप्रिंट्स भी उसको दिख सकते हैं या फिर उसने देखे हों, और अनदर यानी कि जो दूसरा रास्ता है वो ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने उसको चूज इसलिए नहीं किया, इट मे बी डेंजर फॉर देम। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगर उस रास्ते पर मैं चलूं तो कभी वापस भी ना लौटूं। सो देयर इज अ डाउट, उसके दिमाग में ये डायलेमा अभी भी है कि विच वन द पाथ ही हैज टू चूज। नेक्स्ट स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई यानी कि यहां पर गहरी सांस लेना। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that had met all the difference। अब यहाँ पर उसने देखा कि एक रास्ता ऐसा है जहां पर बहुत सालों से लोग चल चुके हैं और एक ऐसा है जिस पर बहुत ही कम लोग चल रहे हैं। तो ये जो दोनों रास्ते जो अलग अलग हो रहे हैं उसमें से एक रास्ता मैं अपनाने वाला हूं। कौन सा रास्ता? जिस रास्ते पर बहुत ही कम लोग चले हुए हैं, लेस ट्रैवल्ड बाय पीपल, यानी ऐसा रास्ता जिस पर बहुत ही कम लोग चल चुके हैं, तो ऐसा टफ रास्ता है, तो इसी के और इस रास्ते को चूज करने की वजह से उसके लाइफ में आज बड़ा सा जो डिफरेंस है, जो परिवर्तन है, वो उसकी लाइफ में आज आया है बिकॉज ऑफ the decision of making the decision that he choose the path which is less traveled। So yahan par the moral of the poem is that the poet want to convey the struggle of life, and in this struggle you should choose the path very carefully, because it is related to your future and your career. Sometimes your decision makes your life in trouble, or sometimes become worst. So while you making decision for future, be very careful and be very patient, because and always ready for the hard working, because always hard working or the path which is less traveled, it is hard for everyone. Whenever they will walk on the path. So every time be ready for the hard working, and that hard working or the less traveled path, when he whatever the path the poet chooses for himself, it makes the difference. It means it makes his future better, because it is little bit hard, but it is different from the other. कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सब लोग एक दूसरे को देख के चूज कर लेते हैं, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कुछ ही लोग चूज करते हैं, क्योंकि उसमें ही एबिलिटी होती है उसको पाने की, या फिर उसको उस काम को या फिर उस ऊंचाइयों को हासिल करने की। तो यहाँ पर भी पोएट का जो कहने का मतलब है थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे मिलता जुलता है कि जो हमारी लाइफ का जो स्ट्रगल है, जो हार्डवर्किंग है, जो हार्डनेस है, जो टफनेस है, दैट मेक्स योर फ्यूचर बेटर। और एक चीज ये भी यहाँ पर मेंशन की गई है, मेकिंग द डायलेमा और मेकिंग डिसीजन, द राइट डिसीजन व्हाट पोएट्स इज अबाउट एंड व्हाट इज अबाउट द रॉन्ग डिसीजन, दैट यू कैन सी द लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स, बट इट गिव्स यू अ मेनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड अ वेज, बट इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट वे और व्हाट पाथ दैट यू चूज फॉर योर करियर, and its outcome it depends on the path that you choose, and sometimes the bad path or the wrong decision makes someone's life so badly, and its wrong decision affects someone's life so badly. So here the bad decision makes
a very worst or disastrous consequence. That is the idea of the poet that we want to convey in the poem. So here we are ending our first poem, The Road Not Taken. And here, whatever the dilemma that the poets want to convey, give the example of himself. So dilemma जो दुविधा है वो हर एक की लाइफ में आती है, बट हाउ द पोएट एक्सप्लेन दैट यू शुड चूज योर वे बाय थिंकिंग एंड बी राइट एंड वेरी परफेक्ट व्हेन यू विल चूज द पाथ बिकॉज इट्स मेक्स योर फ्यूचर ब्राइट और समटाइम बिकम वर्स्ट. सो the dilemma here we have complete with the poem, and I hope you will understand.